नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, दफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सिख समुदाय के लोग खड़े हैं, इनसे जानते हैं इनके क्या विचार हैं बाबा राम रहीम जी व डेरा सच्चा सौदा के बारे में, और समाज में जो चर्चा में रहते हैं बाबा राम रहीम जी, आज वो समाज में नहीं है, तो क्या बदलाव आए हैं जब से वो समाज में नहीं है। पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम परशुराम है जी। कहाँ से हो आप? हम पंजाब से आए हैं, जिला संगरूर से। पंजाब से आए हो आप, आपका क्या कहना है जो समाज में आज बाबा राम रहीम जी नहीं है, तो क्या चेंज आए हैं समाज में, क्या अंतर आया है, क्या लग रहा है? जो समाज के बारे आपने बोला है ना, समाज में हमें महाराज जी ने ऐसा कुछ सिखाया है जिसके बारे में सभी लोगों को पता है, पर मीडिया से बात करते हमें शर्म आती है। भाई जो मीडिया ने दिखाया है ना, वो बहुत ही घृणा, जो ऐसे समाज की बहन बेटियों को की जी जितने उनको तार तार कर दिया। इसलिए हमारा गुरु पे इतना भरोसा है, भी सभी को छोड़ सकते हैं पर गुरु को नहीं छोड़। इनका कहना है सबको छोड़ सकते हैं लेकिन गुरु जी को, बाबा राम रहीम जी को नहीं छोड़ सकते। मीडिया ने इतना कुछ दिखाया, इनका जवाब है कि मीडिया ने बिल्कुल गलत दिखाया, बहन बेटी के लिए बिल्कुल बेबुनियाद दिखाया। और सर फिर आपको, आप लोगों को क्या कहना चाहोगे, मीडिया ने इतना कुछ दिखाया और फिर क्या है डेरा सच्चा सौदा बाबा राम रहीम जी? क्या जो गुरु ने इस समय इतना भरोसा विश्वास दिखाया है, भाई जो काम आज डेरा सच्चा सौदा कर रहे है वो संसार में पहले नंबर पे है। सबसे पहले बेटियां बहुओं की इज्जत का सवाल है। जो जितने भी लोग हैं जहाँ पे आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी का डेरा सच्चा सौदा में सर्वधर्म संघ में है। जहाँ पे जो शिक्षा हमें गुरुजी ने दी है वो सारे समाज में, और कितने भी चले जाओ ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिलती। जब से हम ऐसे संस्था से जुड़े हैं इतना कुछ हमें मिला है, कॉलेज से पढ़ने से लेकर अब तक जब हम सर्विस करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, जहाँ भी जाते थे पिता हम जाते हैं, और आगे से भी जो हमें जो संदेश मिलेगा डेरा सच्चा सौदा सरसा का, सभी को छूट सकते हैं पर गुरु को नहीं। फिर और आप समाज में नहीं है गुरु जी, तो आप अब समाज में क्या बदलाव आए? समाज में जो नहीं है, जो हमारे लिए तो है, जो समाज में नहीं है, कौन नहीं है? ये गुरु तो हमारे घर घर में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है। जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको और भगाने के लिए इतना हमें कॉन्फिडेंस है, ये गुरु तो हमारे पल पल में जरे जरे में जंग की जिंदा आराम की दिखाई दे रही है। लेकिन इनका कहना है कि हमारे साथ, हमारे दिल में हमेशा बाबा राम रहीम जी थे, हैं और रहेंगे। ये है इनकी आस्था, इनका विश्वास बाबा राम रहीम जी पर। आप लोग सोचिए, ये वो लोग हैं जो डेरा सच्चा सौदा में जाते थे और आज भी जा रहे हैं। और मीडिया ने क्या दिखाया, वो एक तरफ, इनका विश्वास और आस्था एक तरफ। फैसला आपके हाथ में, देखिए वीडियो और सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिए। थैंक यू।